मोमेंट क्या ही है यार। तो ये है आएगी मुस्कान के चमकाने को। हमारे ग्रुप का पहला बंदा जिसकी सरकारी नौकरी हुई है भाई। ये तो बौरा गया है, सच में बताओ तो बौरा गया ये। वर्जिन लोगों के लिए वर्जिन मोजिटो है। इसका तो टेस्ट करना है क्या है? इसको ऐसे करते हैं और इसको ऐसे करके ऐसे भाई को दे देते हैं। सब है पूरा सॉन्ग सुना रहे हैं और वो हमारा बाहर का काउंटर। बहुत हरियाली है भाई, ज्यादा ही हरियाली है। चंपा गली नाम सुन के ये मत समझना कि चंपा मिलेगी। हाँ। यहाँ कैफेज है भाई। नहीं मिलेगी भाई। मिलेगी। हेलो गाइस, कैसे आप लोग? मैं हूँ राजीव आर्य और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल ट्रैवल आर्य। तो मैं हूँ इस वक्त नई दिल्ली एंड नई दिल्ली में राजीव चौक पे और मेरे साथ है मेरा दोस्त सूरज देव, जो कि आपने सिक्किम ब्लॉग में देखा होगा। तो आज हम जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल जगह और एक और दोस्त आ रहा है, उसे अच्छे से परिचय कराएंगे आपको, वो कौन है, क्या करता है एंड वगैरह वगैरह। तो आज बहुत ही स्पेशल जगह पे जा रहे हैं, वो है चंपा गली जा रहे हैं। तो वहाँ का बहुत ही शानदार व्यू है और जैसे कि थंबनेल में आपको दिख ही रहा होगा। तो जाते हैं और ये मेट्रो स्टेशन पे मेट्रो आ रही है, दोस्त आ रहा है, तो फिर मिलेंगे और उसके बाद जाएंगे कैसे कैसे क्या रूट है सारा कुछ बताएंगे। तो गाइस हमारा दोस्त आ चुका है और कौन है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये है मनीष और ये जॉब करता है आयकर विभाग में। और दोस्त बढ़िया। तो ये आज क्या करने वाला है, चंपा गली घुमाने वाला है। साले सामने आओ, आज चंपा गली यही घुमाएगा और यही आज पूरा काम करने वाला। आयकर विभाग में काम करता है मेरा दोस्त और हाँ चंपा मिलेगी नहीं मिलेगी। तो चलते हैं अभी, राजीव चौक से चलना है हमें, अभी मेट्रो आएगी और फिर चलेंगे। गाइस चंपा गली का तो क्या ही बताए, बहुत इमोशनल लग रहा है। पीछे देखो भाई, सही में लाजवाब लग रहा है। साकेत पहुंच चुके हैं एंड मनीष और सूरज। कहाँ जाना सूरज? चंपा की गली में। अरे तो अभी कहाँ, अभी कैसे जाना है? वॉकिंग डिस्टेंस है, यहाँ से 600 मीटर के आसपास पड़ेगा। तो यहाँ से 600 मीटर के आसपास है। देख लो साकेत मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 से निकलना भैया। चंपा की गली में आ चुके हैं और स्टार्ट हो चुका है। यही है भाई? हाँ भाई यही है चंपा गली। तो देखो यहाँ से आपको दन दना दन सब कुछ सुनाई दे रहा होगा और सब कुछ दिखाई भी दे रहा होगा। देखो क्या ही मतलब सीन है ना। ये देखो, देख रहे हो व्यू? हाँ बता मनीष। देखो भाई मूवमेंट क्या ही है यार, हरियाली तो क्या ही है भाई, बहुत ज्यादा। चंपारण से चंपा की गली आए देखने। ये है ओके द ग्रीन व्यू और हम लोग जाने वाले हैं शायद इसी में। बाकी देखो कैफे दोस्ती, अरे यार कैफे दोस्ती है भाई, देख रहे हो? ये है अंदर का व्यू दिखाओ भाई यहाँ का। ये देखो अंदर का व्यू। मनीष कैसा लग रहा है भाई? खुशी दिख रहा है भाई। हाँ आ रहा हूँ भाई के चेहरे पे खुशी देख लो। सामान देखो भाई पहले, मुस्कान की चमक। और ये देखो भाई सच में यार मतलब जन्नत है ये। यहाँ पे एक फिल्म की शूटिंग हुई है, आपको पता है कौन सा? यहाँ पे लव आजकल 2 का शूटिंग किया गया है। तो अभी कहाँ जा रहे हैं भाई? अभी जाएंगे कैफे मिले, तो वहाँ जाने वाले हैं। बढ़िया सा मस्त सा कैफे जहाँ का मेन्यू वगैरह अच्छा हो वहीं जाएंगे, फिर देखते हैं जाएंगे भाई को थोड़ा नयन सुख की प्राप्ति कराएंगे। तो चलो भैया चलते हैं। भाई तो भाई मनीष कैसा लग रहा है भाई? बहुत बढ़िया, मजे आ रहा है। इसके मुंह के चमकान देखो कितना खुशी है बंदा भाई, भाई की मुस्कान के चमकान। बहुत ही मस्त है, बहुत ही खुशी मतलब खुश है और पार्टी यही दे रहा है क्योंकि बता रहे थे कि क्यों पार्टी दे रहा है, क्योंकि इसका जॉब हो चुका है, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी हो चुका है कस्टम्स में, और यही जॉब का पार्टी दे रहा है मतलब हो गया। तो आप बोले कि चलो, तो चलो भैया रेडी है एकदम। और हमारे ग्रुप का पहला बंदा जिसकी सरकारी नौकरी हुई है भाई, और तो बनती है मुझे भाई। ये वीडियो देखकर बहुत ही गाली पड़ने वाला है बहुत ज़्यादा, तो कोई नहीं पर मैनेज करते हैं। बाकी मेरे क्लास में 6ठा से पढ़ते आया मेरे साथ और मेरे क्लास का टॉपर था एंड सेकेंड मेरा आया था भाई, उसके बाद क्या हुआ कि पार्टी देकर चलते हैं किसी कैफे में और उसका पूरा मतलब देखते हैं कितना का बिल फटता है और क्या होता है, क्या क्या व्यू है
वो सारा कुछ बताते हैं अच्छे से डिटेल्स में। और एक चीज़, हाँ, मार्गदर्शक ये है, ये लाया है एंड बिल इसका फटने वाला है। तुम बस, मैं वीडियो क्रिएटर हूँ भाई, वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि दिल्ली आए तो भैया ये चीज़ तो मिस ना करें। ड्रीम कैचर है एंड यहाँ बहुत सारे लोग फोटो सेशन करा रहे हैं, बहुत ही अच्छा है, कोई भी आगे कॉमन मतलब कर सकता है। अभी चलते हैं अंदर, थोड़ा हम भी फोटो सेशन करा लेते हैं। ये देखो मिरर वगैरह, ये देखो, तो व्यू काफ़ी अच्छा। तो मनीष चले कहाँ फोटो सेशन करने? चलते हैं भाई, चलते हैं। अरे ये तो बौरा गया है, सच में बताओ तो बौरा गया है ये। अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसे, अभी दो तीन महीने हुए भाई को बहुत नयन सुख की प्राप्ति हो रही है। अरे बहुत लोग देखते हैं भाई। चलिए कोई नहीं, करते हैं थोड़ा फोटो सेशन और फिर चलते हैं अच्छे से। बाकी ये लोग देखो पूरा फोटो सेशन में व्यस्त है एंड ये व्यू है, पीछे रेस्टोरेंट है, काफ़ी लोग हैं जो कि देखो अच्छी अच्छी सुंदरियाँ हैं जो कि आपको खाना परोसेंगी एंड वो गली है चंपा गली का मेन गली। तो ये है पूरा व्यू एंड इधर आप कॉर्नर पे बैठ सकते हैं। इतना प्यारा सा गली है, ये देखो पहले सबसे पहले, और ये देखो राइट का क्या सीन है, ये भी अच्छा है भाई, ये भी अच्छा है। तो हमें चलना है द ग्रीन व्यू में ना, तो द ग्रीन व्यू में जा रहे हैं एंड उससे पहले हम यहाँ पे भी देखो मजनू का ठेला है, हम तो टीला पर रहे थे भाई। और हम जा रहे हैं द ग्रीन व्यू में, देखो यहाँ पे कुछ ऐसा है, फोटो सेशन आप करा सकते हैं एंड बैठने के लिए बाहर भी बैठ सकते हैं, अंदर भी बैठ सकते हैं। तो हम अंदर चलते हैं, चलो। मैं तो भैया रहा कैमरा मैन। ये है कुछ अंदर का व्यू एंड यहाँ पे कुछ सॉन्ग वॉन्ग का सीन है, वो देखो भाई साहब थोड़ा सॉन्ग सुना रहे हैं। दोनों बैठ गए भाई जाके वहाँ पे, और वो देखो उधर वहाँ से एंट्री किए हैं एंड मैंने देख ले, इधर भाई साहब है पूरा सॉन्ग सुना रहे हैं, और वो हमारा बाहर का काउंटर। तो ये मेन्यू ऑर्डर कर भाई, मेन्यू देख और ऑर्डर कर। तो ये मेन्यू एंड बहुत सारा साउंड है भाई, तो ये मेन्यू है, कुछ ऑर्डर करते हैं, जो ऑर्डर करते हैं वो आएगा और आपको दिखाएंगे। बाकी बोल रहा है कि जैसा ऑर्डर करना है वैसा करो, कोई लिमिटेशन नहीं है, तो हम करते हैं भाई कुछ इधर देखते हैं। बाकी भाई तो पूरा हिला के रखा हुआ है, क्या ही बोले भाई, वर्जिन मोजिटो है, वर्जिन मोजिटो क्या होता है भाई, वर्जिन लोगों के लिए वर्जिन मोजिटो है भाई। ले ले, क्या पूछ रहा था अभी तू भाई, वो नहीं पूछ रहा, पैसा के बारे में बोल रहा था, तो प्यार तो नहीं समझा, प्लेट मसवाएगा क्या तू, तो प्यार है। बटर चिकन बोनलेस जो कि 770 रुपये का फुल प्लेट है भाई साहब, एंड तंदूरी मंगा रहे हैं, बस इतना ही मंगा रहे हैं। और इसके लिए ये वेज खा रहा है, तो इसके लिए बस हम सोया चाप मंगा रहे हैं जो कि 199 रुपये का, तो देखते हैं बाकी और कुछ होगा तो देख लेंगे। तो भाई ये तंदूरी रोटी एंड ये चाप है, वो प्लेट है उसका, और ये है बटर चिकन बोनलेस है वो प्याज एंड मेरा खाली प्लेट। तो ये रहा चाप है एंड ये बोनलेस है, तो काफी टेस्टी है भाई। मनीष का हमको बहुत घटिया रहा है, मतलब गाली दे रहा है एक्चुअली, वो सूखा सूखा खा रहा है। अब भाई शाकाहारी खाना है उसे, तो हम क्या ही कर सकते हैं, हम लोग पूरा भीगा भीगा खा रहे हैं। हमें क्या पता, ग्रेवी होता है भाई। तो हम लोग खाना खा चुके हैं एंड पूरा ये क्लीन होगा, तो ये क्लीन होगा और इसके बाद पिज्जा जाएंगे, और उसके वाटर बोतल आ चुका है। और भाई यहाँ पे वाटर बोतल का प्राइस लिखा है 60 रुपये का है भाई, चलो ठीक ही है, लेकिन ये पानी बहुत ही अच्छा होता है।
तो फिलहाल हमारा आ गया है पिज्जा, मशरूम चीज पिज्जा है, मुझे भी दे दिया है बस। एक सौ, ये कुछ अजीब सा नहीं लग रहा भाई, कुछ अजीब सा नहीं लग रहा ये? नहीं भाई कुछ ज्यादा मत सोचो। हमारी टेस्ट अच्छा लग रहा है। और सूरज तुम्हें बोल रहा है पहले वाला बढ़िया नहीं रहा, तो भैया बिल आ चुका है एंड बिल जो आया है 1635 रुपये का है। बाकी अभी करता है मेरा भाई, फिर पेट करेगा भाई तेरा बिल, तेरा बिल। इसको ऐसे करते हैं और इसको ऐसे करके ऐसे भाई को दे देते हैं, धीरे से कर सकना पड़ेगा। बहुत हरियाली है भाई, ज़्यादा ही हरियाली है, देख रहे हो ये चीज़ है। और व्यू तो काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी सजा के रखे हैं लोग, तो हरियाली यहाँ बहुत आती है। एंड आपको अगर हरियाली देखना है तो सीपी के बाद यहीं पे है। यही है आपको गली, ऐसे ऐसे बहुत ही खूबसूरत गली मिलेंगे जो कि देख रहे हो कितना ही ब्यूटीफुल है। एंड आप कहीं भी बैठकर आप जनरली खा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, सो देखो आप बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत सजाया गया है। हाँ भाई, तो खाना कैसा लगा भाई? मस्त, लेकिन मेरा बड़ा खराब था भाई। उसके बाद जो मैंने ऑर्डर किया वो कैसा था भाई? पिज्जा ठीक था, बहुत ही बकवास। तू बोल भाई, सब कुछ भाई। तो भाई ऐसा था कि 1650 का बिल बना है और टारगेट जो था उतना लगभग था ना, उससे ज़्यादा बनेगा नहीं। तो ये चीज़ है, बाकी ठीक था, मज़ा आया काफ़ी मज़ा आया, थोड़ा मिला, सुकून मिला और थोड़ा काला काला फेस पे आ रहा होगा, लेकिन हम लोग निकल रहे हैं अभी, साके जाएंगे और रूम पे जाएंगे। तो ये चीज़ है, चंपा गली आई है और हम लोग चंपारण से आए हैं भाई, चंपा गली देखने। चंपा गली, चंपा गली नाम सुन के ये मत समझना कि चंपा मिलेगी, यहाँ कैफेज है भाई। नहीं मिलेगी भाई, मिलेगी भाई, मैं खुद अपने लेके आना, झूठ बोल रहा है। ये चीज़ है, बाकी लेके आना होगा, अपने लेके आना भाई, किसी और की नहीं मिली तो। जैसे और कुछ जा रहे हैं, अपने देखो भाई, तीन मेले बैठ जा रहे हैं, बस यही है, चल रहा है। तो एक बार दिल्ली आइए तो यहाँ का सैर जरूर कीजिए, बाकी ऐसा कुछ यूनिक चीज़ मिलता है तो आपको दिखाएंगे। और हाँ, बहुत कुछ यहाँ पे यूनिक है, धीरे धीरे जैसे जैसे पता चलेगा मैं आपको बताऊँगा, दिखाऊँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।